चोरां दी नज़र हुण सरकारी इमारतां ते। आम आदमी क्लीनिक चो चोरां ने कीते प्रिंटर चोरी, दूजे पासे सेवा केंद्रां च UPS दियां कढ़ियां बैटरियां। चोरी करदा चोर CCTV च होया कैद। तो दस दे कि लगातार चोरां दे हौसले बुलंद हुंदे जा रहे ने ते हुणे चोर सरकारी इमारतां नूं निशाना बना रहे ने। दस दे कि वारदात तो लुधियाणे दी है, जिथे सिविल हस्पताल दे नेड़े थाना डिवीजन नंबर 2 तो महज 100 मीटर की दूरी ते ही जिथे सेवा केंद्र दे विच चोरां ने सन ला के UPS दियां 16 बैटरियां ते हथ साफ कर दिता। उत्थे सूफिया चौंक दे विच स्थित मुहल्ला क्लीनिक दे विच वी चोरी की खबर सामने आई, जिसकी पुष्टि क्लीनिक के डाक्टर ने की। उन्हां कहा कि क्लीनिक दे विच कुछ दिन पहला ही चोरां ने कुंडी तोड़ के अंदर पिया प्रिंटर अते इलैक्ट्रॉनिक दा समान चोरी कर लिया, जिस करके डाक्टर वालों मरीजां नूं दित्ती जाण वाली दवाइयां दी डिटेल अते होर टैसट आदि की रिपोर्ट जो कि प्रिंटर दे विचों कढ़ी जांदी सी उस दे विच मुश्किल आ रही ने। उन्हां कहा कि पुलिस नूं सारी जानकारी दे दित्ती है, जिस तों बाद हुण इन्हां चोरां की भाल की जा रही है, पर उन्होंने कहा हाले तक कोई भी चोर है जिहड़ा उह फड़िया नहीं गया। सेवा केंद्र दे विच हुई चोरी नूं लैके SHO ने कहा कि व्यक्ति अहमदगढ़ तो गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि केस नूं सुलझा लिया गया ते कई वारदातों नूं उस चोर ने अंजाम दिता है। SHO ने कहा कि असी मामले की जांच कर रहे हैं। उत्थे सेवा केंद्र दे विच तैनात मुलाजमान ने कहा कि 16 के करीब वह UPSC दियां बैटरियां कढ़ियां गईयां ने, जिस दे नाल जनरेटर की वड्डी बैटरी भी लगी सी, जिस करके काम करन दे विच विघन पै रहा है। मेरा नाम शुभम है जी। जी किसे केड़ा सेवा केंद्र है? ये मेन सिविल हॉस्पिटल रोड पे है। वारदात हुई है ते की चोरी करके ले गए? असी मैं मॉर्निंग आए थे, देखा सी कि कहिंदे बाहरों ताला टुटिया होया साइड पर पिया सी, तो इहदी मतलब कुंडी टुटी हुई सी। जदों असीं एंटर किया देखिया UPS की बैटरी नहीं सी, तो साडी इक जनरेटर की बैटरी चोरी हो गई सी। सोलह बैटरियां सीगियां, एक जनरेटर की बैटरी सी। काम अपने को थोड़ा बैकअप है, अपने को CPU का बैकअप है, आप उस बेस से सारा काम कर रहे हैं। बाकी असी अपने डिपार्टमेंट नाल इनफॉर्म करता सी, पिछले 2 नंबर थाना है उत्थे भी जाके इनफॉर्म करता सी। UPS नहीं, कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं, ये बैटरी ही चुकी है इन्होंने साड़ी। 16 बैटरियां सी जिदे विच ते इक अपनी जनरेटर की बैटरी अलग तो कैबिन च रखी सी, वो भी चक्के लाई गए। हाँ कामकाज तो इफेक्ट होता है, क्योंकि एक्चुअली जो लाइट जाती बंद हो जाता है सिस्टम तो करके। अच्छा लगता भी इतने काफ़ी सेंसिटिव जो मटीरियल होंगे लोगों के ID कार्ड वगैरह बड़ा कुछ होंगे, तो वो भी कितना कितने दिक्कत हो सकती है उसको लेके भी? नहीं, वो डाटा अलग तो स्टोर होंगे, वो कोई दिक्कत नहीं होंगी। UPS वो सिर्फ एक अपन बैकअप जनरेट करता है कि जो लाइट जाती हैगी है, फिर वो बेसिस से ही चलता है। बैटरियां लैके गए चोरी हुई, बाकी होर सेवा केंद्र च हुई है, बट हुण किहड़े किहड़े हुई इह हुण बाकी उन्हां नूं पता हैगा, क्योंकि मैं मेरे का ही ज़्यादा पता है। अच्छा सर, तो मैं लगता कि 100 मीटर की दूरी से होना थाना? हाँ जी हाँ जी, आप पीछे बैक साइड से थाना बने हैं, बिल्कुल नज़दीक है। नज़दीक है, 2 नंबर थाना नाल ही लगता। पुलिस वाले ले गए कैमरे कूमरे की फुटेज फुटेज ले गए आके? हाँ हाँ, उन्होंने सारा इनफॉर्म करता है, नंबर भी शेयर करते हैं, अपने सीनियर के भी नंबर शेयर करते हैं। कंप्लेट चोर दाखिल कितना हुए? सर मेन गेट का सूर सही है, बस वो मेन गेट तो आए थे। हाँ ताला लगे उन्होंने, कुंडी तोड़ती सी। अच्छा जी, कुंडी उन्होंने कोई पता नहीं उजार जहा होगा, ताला बाहर ही गिरया होगा, तो कुंडा खुला सी जो आप सवेरे आए थे। पहले आगे गार्ड ने देखा, फिर स्टाफ ने देखा, जो आप एंटर किए है ही नहीं समान। वो कहते चोर तो असं कहते फड़ लाँगे, वैसे हम सुन जाए कि फड़ ही लिया है चोर, तो हूँ जस्ट हम वेरीफिकेशन होनी हैगी है, बस वो बुलवाना है सारा। मेरा नाम डॉक्टर अंकित है, ये आम आदमी क्लिनिक के दवाई नगर है सूफिया चौक। सर दो तीन दिन पहले चोरी हुई है, वो कदों चोरी हुई, की मामला है, की कुछ लै गए चोरों के? चोरी जड़ी हुई हैगी है वो हैगी एक प्रिंटर चोरी होया है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन वो ही चोरी होया है। कोई बैटरियां बूटियां भी गलत नहीं, बाकी और कुछ नहीं। सर अंदर दाखिल हो गए? हाँ जी हाँ। किस तरह है सर कुछ? इदां दा तां सारा हजे तां कुछ साडे कोल डिटेल नहीं है। दरवाजा दरवूजा तोड़े होए? हाँ दरवाजा तोड़े चाहिए, वो तां सारी डिटेल पुलिस वाले कोल ही। नहीं कोई दरवाजा तोड़े सी? हाँ जी दरवाजा तोड़े। मेन भी सी, इधर दा भी सीगा, क्लिनिक दा भी सी। किन्ने चोर सर सीगे? नहीं इदां दा कोई। सर पहले भी कई वारदात इत्थे कदे होई होए? साडे तां क्लिनिक च पहली बार होई है, ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1.5 साल हो गए, इदां दा कदे भी नहीं होया। CCTV आई कोई? 2 बंदे सी, 3 बंदे, किन्ने बंदे सी? नहीं सानू इस बारे तो कोई। अच्छा कंप्लेंट की थी सर, पुलिस कंप्लेंट की थी जी? हाँ जी हाँ।
ਪੁਲਿਸ ਸਰ ਆਈ ਸੀ ਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਸਫਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਅਲਟਰਨੇਟ ਸਰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਪਟੋਪ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੇ ਲੈਪਟੋਪ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਪੇਸ਼ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਫੜ ਲਏ ਜਾਣ ਕੇ ਬੰਦੇ ਜਲਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਪੂਰਾ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਆ 188 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਅਸੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਸਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਇਨਵਰਟਰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੋਈ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਦਾਂਗੇ